फ्रेंड्स, मैं हूँ अन्नपूर्णा और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने वाली लौकी की चटनी, या इसे सोरकाई पचड़ा भी कहा जाता है, जो बहुत ही टेस्टी है, साथ ही बहुत ही हेल्दी है। इसे आप डोसा, इडली, पराठे, चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। अराउंड हाफ के जी है, दो टमाटर हैं, धनिया पत्ती हैं, सूखी और हरी लाल मिर्च है, कुछ लहसुन की कलियां, इनको मैं भून के पीस लूँगी। फिर एक स्पून चना दाल, एक स्पून उड़द दाल। तड़का लगाने के लिए जीरा, सरसों, सूखी लाल मिर्च, तीन स्पून सफ़ेद तिल्ली है, हींग है, नमक है, एक करिया पत्ती का स्ट्रिप है, तेल है और हाफ स्पून हल्दी है। सबसे पहले मैं लौकी को छील के काट लूँगी, फिर उसके बाद टमाटर को भी काट लूँगी। अभी मैंने रखा है कढ़ाई, इसमें अभी मैं तिल्ली डाल रही हूँ, ये अराउंड 3 स्पून है। मैं सिर्फ इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। तिल्ली को भून के मैं निकालूँगी एक प्लेट में। ये चटनी बहुत जल्दी बनती है, साथ में बहुत हेल्दी है, इसके कई ज़्यादा फायदे भी हैं। अभी मैंने तिल्ली को निकाल लिया है, अब इसमें डाला 1 स्पून ऑयल डाल के। अब मैं इसमें डालूँगी चना दाल 1 स्पून, उड़द दाल 1 स्पून, सूखी लाल मिर्च डाल के मैं इनको अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करके अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन की कलियाँ। लहसुन की कलियों को मैंने हल्का कूट लिया, अदरवाइज़ ये तेल में फूट जाती है। अब मैंने डाला हरी मिर्च। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। मैं अभी इनको अच्छे से भून रही हूँ। भून के अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर। टमाटर को डाल के चलाते हुए हमें तब तक पकाना है जब तक कि टमाटर थोड़े से नरम ना हो जाए। ये जो चटनी है, ये स्पेशली डोसा या फिर पराठे या फिर स्टीम राइस किसी के भी साथ खाओ, बहुत टेस्टी लगती है। अभी मैं डाल रही हूँ 1/2 स्पून हल्दी। हल्दी मैं कलर के लिए करके डाल रही हूँ। ये चटनी बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि लौकी के कई ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है। लौकी में 90% वाटर कंटेंट रहता है। अभी मैंने डाला 1/2 स्पून नमक। अभी मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, बाकी का नमक मैं डालूँगी बाद में। अभी ये हमारा भुन के रेडी है। टमाटर भी थोड़े से नरम हो गए हैं। अब मैं इनको निकाल के सेम कढ़ाई में मैं भी डाल रही हूँ अराउंड 1 स्पून 1 स्पून ऑयल डाल के। अब मैं इसमें लौकी को भूनूंगी तब तक जब तक कि लौकी का थोड़ा सा कच्चापन ना निकल जाए या थोड़े से नरम ना पड़ जाए। लौकी में ना ही हमें नमक डालना है, ना ही हमें ढक के पकाना है, हमें सिर्फ ऐसे ही खुले में ही भुनना है, क्योंकि हम ढकेंगे तो इसमें से पानी छूटेगा, नमक भी डालने से पानी छूटेगा और ये भुनने में ज़्यादा टाइम लेगा। हमें सिर्फ ड्राई रोस्ट करना है, मतलब खुले में भुनना है। अब लौकी भी भुन गई है, अब मैं इनको निकाल के ठंडा करके ग्राइंड कर रही हूँ। सबसे पहले मैं टमाटर, हरी मिर्च और तिल्ली का डाल के मैं इनको ग्राइंड कर रही हूँ। मैंने इनको थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लौकी। लौकी को ठंडा करके ही हमें ग्राइंड करना है। अभी मैंने लौकी को भी डाल दिया, अब मैं इनको फिर से ग्राइंड कर रही हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया पत्ती डाल के। अब मैं इसको फाइन चटनी जैसा ग्राइंड करूँगी। ये चटनी खाने से हमें कई ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे कि ये हमारे बॉडी को कूल रखता है, हमारा हार्ट की प्रॉब्लम को ठीक रखता है, वेट लूज़ करने में भी मदद करता है, क्योंकि इसमें लौकी बहुत ज़्यादा है और ऑयल बहुत लेस है। अभी मैंने इसको निकाल लिया है सर्विंग बाउल में। अब मैं इसमें लगाऊंगी तड़का। उसके लिए मैंने अराउंड 1 स्पून ऑयल लिया है। ऑयल जैसे गर्म हो गया, उसमें मैंने जीरा, सरसों, सूखी लाल मिर्च और करिया पत्ती डाल के अभी मैं डाल रही हूँ 1 पिंच हींग। बस तड़का बन के रेडी है, मैं इसको डाल रही हूँ चटनी के ऊपर। हमारी चटनी बन के रेडी है। आप भी ये चटनी बनाइए और बताइए अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।